सरस्वती, कितने देर से आवाज लगा रही हूँ मैं तुझे, तू अब तक पढ़ाई को लेकर बैठी है, जा जाकर कपड़े धो। माँ मुझे पढ़ना है, फिर स्कूल भी तो जाना है। हाँ कर लेना, लेकिन कपड़ा धोना भी ज्यादा जरूरी है। नोक नोक, आई, घर में कोई है? आ रही हूँ। क्या है, क्या काम है? भोपाल साहब के लिए लेटर आया है। लेटर? ये क्या होता है? अरे पत्र। अच्छा पत्र दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। साइन? ये क्या होता है? आप अनपढ़ है क्या? हाँ पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है? नहीं तो अंगूठा लगा दीजिए। कहाँ लगाना है? धन्यवाद। ये क्या हो सकता है? हे भगवान, ये क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है बाहर ही जाकर किसी से पढ़वाना पड़ेगा। भैया। हाँ हमको बुलाया। हाँ जी जरा पढ़कर बताएंगे इसमें क्या लिखा है? हाँ जरूर, हम तो पहली कक्षा तक पढ़े हैं। पहली? बताइए जी। बहन जिसमें अक्षर बहुत छोटे लिखे हम अपना चश्मा लेकर आते हैं, जल्दी आइएगा। हाँ हाँ जरूर। पता नहीं भैया को गए हुए कितनी देर हो गए, चश्मे लेने गया है या आंखों का मोतिया निकालने? लगता है अब किसी और ही से पढ़वाना पड़ेगा। ओ भैया। हाँ हमको बुलाया। हाँ जी जरा बताइए ना इसमें क्या लिखा है? हाँ जी जरूर, हम तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैडम जी हमेशा हमका ही खड़ा करवाती है पढ़ने के लिए। जी बताइए। अरे वो क्या ना भाभी जी, हम थोड़ा, मेरा एक जरूरी काम आ गया है, हम थोड़ा सा आते हैं। एक का तो पता नहीं कितनी दूर चश्मे लेने गया है और एक का तो पता नहीं क्या काम आ गया है, अब मुझे कौन पढ़कर बताएगा? चाची। आई चाची। आई। अरे तू आठ दिन बाद मिलना हूँ आपसे, कैसे हैं? अंदर आ जाओ। हम तो ठीक है जी। कैसे आना हुआ जी? खीर बना रहे थे जी। चीनी चाहिए होगा जी आपको? एकदम सही पकड़े हैं। पता नहीं रोज रोज आती है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है। कुछ कहेगा? अरे वो अरे जी देखिए ना जी, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, आप ही बता दीजिए, आप बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ हम तो चौथी तक पढ़े हैं पूरा। ये तो अंग्रेजी में लिखा है, हम ना थोड़ा अंग्रेजी में कमजोर रहे थे, पर मालूम होता है कि कोनो दुखद खबर है। दुखद खबर? हाँ जी नहीं चीनी आते हैं। हे भगवान, अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें क्या लिखा है, कौन सी दुख खबर लिखी है? अरे दरवाजा खुला है। माँ मैं आ गई। अरे बेटा तू कब आई? अभी तो कहा कि मैं आ गई। माँ ये क्या है? अरे देख ना बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा है। माँ मुझे पढ़ने आता है। अब तू ही बता दे। माँ इसमें लिखा है कि नानी जी। हाय राम नानी जी। इसमें लिखा है कि नानी जी और नाना जी। हाय राम नाना जी। अरे ये बाहर आवाज कैसी, जरा देख कर आप लोगों को कोई काम धंधे नहीं होते क्या, जब देखो हमारे घर पे जागते रहते हैं। माँ इसमें लिखा है कि नानी जी और नाना जी सकुशल हैं और उन्होंने हमें आशीर्वाद भेजा है। अरे बेटा तुझे तो पढ़ना आता है, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी पढ़ने से नहीं रोकूंगी और उतना पढ़ाऊंगी जितना तुझे पढ़ना है। अब मुझे समझ में आया कि पढ़ना कितना जरूरी होता है। आपने देखा कि अनपढ़ होने से कितनी तकलीफ होती है, तो सब पढ़े और सबको पढ़ाए, क्योंकि पढ़े का इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। और हाँ खासकर बेटियों को पढ़ाए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो द मोरल ऑफ द ड्रामा इज सेव गर्ल एजुकेट गर्ल। थैंक यू।